Assalamu alaikum and very good morning from Cairo, Egypt. Today I am going to the pyramids, Ehram e Misr. So, first of all, the day of the day is a good meal. So, this is what my hotel are on their side. Yes, this is some bread and some eggs and some tea. कल रात मैं काहिरो पहुंचा था, एयरपोर्ट से मैंने कैब ली और ये रात के वक्त काहिरा शहर का नज़ारा है। एयरपोर्ट सेंटर ऑफ द सिटी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। तो हम काहिरा शहर में दाखिल हो गए। मैं होटल पहुंच चुका हूं और ये मेरा रूम है। इसका किराया 400 पाउंड इजिप्शियन, जो के पाकिस्तानी 4500 रुपए फी रात बनते हैं, वो मैंने अदा किया था। अच्छा खुले साइज का रूम है, एयर कंडीशनड है और आप बाथरूम वगैरह भी देख सकते हैं। अच्छा नीट एंड क्लीन बाथरूम है, तो मुझे ये रूम काफ़ी पसंद आया। मैं यहाँ पे 3 दिन रुकूँगा। आज रात मैं आराम करूँगा और कल के लिए मैंने टूर बुक किया हुआ है, जो कि एहराम मिस्र का टूर है। क्योंकि मैं बजट ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं हमेशा वैल्यू की तरफ जाता हूँ। ये एक पुरानी सी बिल्डिंग है लेकिन होटल बहुत अच्छा था और होटल की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी थी। तो अब ज़रा चलते हैं नीचे। इस बिल्डिंग के लोअर फ्लोर्स पे ये लेडीज़ के कुछ कपड़ों के शॉप्स वगैरह, कुछ गोदाम वगैरह थे। बिल्डिंग पुरानी है लेकिन होटल ज़बरदस्त था। मैं नीचे ज़रा राउंड लगाने के लिए आया हूँ। दाएं तरफ जैसे हमारे चाय के होटल होते हैं, वैसे ही ये कहवा खाना था। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे इतना इजी माहौल है कि लड़कियाँ भी लड़कों की तरह चाय के होटलों पे बैठी होती हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये काहिरा शहर का मरकज़ी इलाका है और यहाँ पे काफ़ी शॉप्स वगैरह थी, काफ़ी लोग यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए आते हैं। तो जी मेरे ड्राइवर मुझे पिक करने के लिए आ गए और हम जा रहे हैं पिरामिड्स। और हेलो हेलो, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। योर नेम इज मोहम्मद, राइट? मोहम्मद, या नाइस टू मीट यू मोहम्मद। थैंक्स। तो जी ये है काहिरा शहर। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम पिरामिड्स की तरफ जा रहे हैं। ये सिनेमा है, बड़ा दिल था कि इनकी जरा फिल्म देख के चेक की जाए कि कैसी है, लेकिन मुझे समझ कोई नहीं आनी। एहराम मिस्र काहिरा शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में है और अभी हम सेंटर ऑफ द सिटी से गुजर के जा रहे हैं। मशहूर ज़माना तहरीर स्क्वायर से भी गुजरेंगे। दोस्तों ये इजिप्शियन म्यूज़ियम है और जनाब ये हम तहरीर स्क्वायर से गुजर रहे हैं। तो हम कुछ ही देर में एहराम मिस्र पहुंचने वाले हैं। मैंने ये सोलो टूर बुक किया था
और इस टूर में मेरे साथ ये ड्राइवर और गाइड दोनों होंगे। गाइड मुझे एहराम मिस्र के नज़दीक मिलेगा। तो दोस्तों हम एहराम मिस्र के करीब जा रहे हैं, ज़्यादा देर का रास्ता नहीं रह गया। मेरे गाइड ने मुझे ज्वाइन कर लिया। इस वक्त हम एहराम मिस्र के बाहर खड़े हैं, मेरा गाइड मेरे लिए टिकट्स वगैरह लेने गया है। दोस्तों कदीम ज़माने में यहाँ पे कैसा माहौल होगा वो मैं आपको एक इमेजिनरी वीडियो के साथ शेयर करता हूँ। हमने टिकट्स वगैरह ले ली और अब हम एंटर हो चुके हैं और अब हम एहराम की तरफ जा रहे हैं। आखिर ये एहराम मिस्र हैं क्या, आपको कुछ देर में बताता हूँ। तो ये मेरे गाइड हैं और इनका नाम है मीमो और ये बड़े माशाल्लाह नाइस अच्छे बंदे हैं और ये हमें आज टूर करवाएंगे। एहराम मिस्र 4,500 साल पहले तामीर किए गए थे। उस ज़माने के बादशाह अपने लिए एहराम बनवाया करते थे। उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि जब वो मर जाएंगे तो उनका मदफन इन एहराम के अंदर होगा। अभी हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ से हम पैनोरामिक व्यू ले सकें और उसके अलावा कैमल राइड कर सकें। Now we are close from panorama. We will start to see a lot of animals, especially camels. Riding camels is a super nice experience. बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले जरा ऊंट की सवारी का मजा लेते हैं हम। और जी मेरी ऊंट की सवारी शुरू हो गई और मेरे साथ ये लड़का आ गए जो कि ऊंट को हैंडल कर रहा है। बस जी मैं बन गया इब्ने सऊद, हुण मैं नवा सऊदी अरब बनावांगा। बाय। हाउ वाज इट? It's good driver. Bye bye. Bye. तो जी ये लड़का जो है ये मुझे कहता कि जी ऊंट को तेज़ भगाऊं, मैं कहना ना पाई, ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, राइड करना मुश्किल होता है। कैमल राइड वहाँ पे दुबई सफारी वाले भी करवाते हैं लेकिन दुबई सफारी ज़्यादातर पाकिस्तानी रन कर रहे हैं। तो बस वो ऊंट पे बैठाते हैं एक चक्कर हल्का सा, बिल्कुल मेरे लिए 30 सेकंड का चक्कर लगवाते हैं और उसके बाद कहते हैं चलो जी उतरो। लेकिन यहाँ पे आधे घंटे की राइड है और आधे घंटे का मतलब आधा घंटा है, तो ये अच्छी तरह घुमाते फिराते हैं और उसके बाद तेज स्पीड स्लो स्पीड जैसे को वैसे कर लेते हैं। तो लड़का मुझे कह रहा था कि जी मैं ऊँट को नठाऊँ भगाऊँ, तो मैं कहा नहीं भाई मैंने नहीं करना। हम क्योंकि ऊँट पर कभी कभार बैठते हैं तो ये ना हो कि ये ऊंट को भगाए और हम नीचे गिरे हों और हड्डियों का सुरमा बनाओ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये एहराम 4,500 साल पुराने हैं। उस ज़माने के बादशाह इनको अपने लिए तामीर करवाते थे। ज़्यादातर मकसद ये होता था कि जब वो मर जाएं तो उसके बाद ये एहराम अंदर उनका मदफन हो, यानी कि उनकी डेड बॉडीज़ को एहराम के अंदर रखा जाए। कदीम मिस्री आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद
ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। इसीलिए बहुत से बादशाह अपने जो उनके ख़जाने होते थे वो ख़जाने भी अपने साथ ही इन अहराम के अंदर रख लिया करते थे। इन हज़ारों साल में बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि लोग अहराम के अंदर घुसे हैं और उनका मकसद ख़जाने की तलाश और लूटमार हुआ करता था। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था इसलिए हमें ड्राइव करके दूसरी लोकेशंस पे जाना पड़ता था। इन पिरामिड्स के अंदर जाया जा सकता है। माजी में इन पिरामिड्स पे चढ़ने की, क्लाइम करने की इजाज़त हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन पे क्लाइंबिंग करना इलीगल है। ये वाला अहराम जिसकी टॉप पे थोड़ी सी आपको तय नज़र आ रही है, ये दूसरे नंबर पे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। ये जो इसके ऊपर आपको तय नज़र आ रही है, ये लाइमस्टोन की तय थी। जब ये मौजूद थी उस वक्त ये बहुत खूबसूरत लगा करता था। ये वाले तीन अहराम पिरामिड्स ऑफ गीज़ा कहलाते हैं और ये 3800 साल तक इंसान के बनाए हुए सबसे ऊंची इमारतें हुआ करती थीं। उसके बाद जदीद ज़माना आया, मशीनें वगैरह आ गईं, तो इनसे ऊंचे बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स बन गए। लेकिन 3800 साल तक ये स्ट्रक्चर्स सबसे ऊंची इमारतें हुआ करती थीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इन अहराम के अंदर जाने का भी रास्ता है। अहराम के अंदर अब कुछ भी नहीं है। अहराम के अंदर जाने के लिए अलग टिकट ख़रीदना होती थी। अहराम के अंदर अब कुछ भी नहीं है। जो इसके अंदर बादशाहों की, फिरौनों की डेड बॉडीज़ थी और जो ख़जाने थे वो लोगों ने लूट लिए। उनकी डेड बॉडीज़ कहाँ गईं उनका कोई पता नहीं लगा, ख़जाने भी लूट लिए गए। अब अंदर खाली है, लेकिन उसके बावजूद अंदर बड़े ज़बरदस्त स्ट्रक्चर हैं। और ये जो बड़े वाला, सबसे बड़े वाला पिरामिड है, इसके अंदर अंडरग्राउंड सुरंगें भी मौजूद हैं। दोस्तों, साइंसदान और आर्कियोलॉजिस्ट आज के दौर में भी हैरान हैं कि उस दौर के लोगों ने 4500 साल पहले ये इंतहाई शानदार इमारतें कैसे बना ली थीं। इतनी इस पर रिसर्च हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये मौमा हल नहीं हो सका। जो अब तक रिसर्च हुई है उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि वो कदीम ज़माने के मिस्री लोग इंतहाई माहिर रियाजीदान थे और वो बड़े ज़बरदस्त आर्किटेक्ट थे। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि टनों के हिसाब से वज़नी ब्लॉक्स वो ऊपर तक कैसे लेके गए? क्या वो सीधा उनको ऊपर ले गए, या फिर ज़िगज़ैग की फॉर्म में रास्ता बनाया गया, या फिर गोलाई में उनको ऊपर लेके गए? ये सब बातें सवालिया निशान हैं। कहा जाता है कि कदीम मिस्री मजदूर इंतहाई स्किल्ड थे, उनका बहुत ख्याल रखा जाता था, उनके खाने पीने का, उनके इलाज मुआलजे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता था। यही वजह थी कि वो मजदूर इतने ज़्यादा मोटिवेटेड थे कि उन्होंने दुनिया का ये आठवां अजूबा बना दिया। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अबुल होल का मुजस्मा। इसे इंग्लिश में स्फिंक्स कहा जाता है। इस मुजस्मे का चेहरा एक इंसान का है, जबकि धड़ शेर का है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये किस का चेहरा है? ज़माने की शिकस्त और रेख की वजह से इस मुजस्मे का नाक और आँखों का कुछ हिस्सा ज़ाया हो चुका है, टूट चुका है। लेकिन बहुत से माहरीन ये मानते हैं कि ये असल में उस ज़माने के बादशाह, किंग, फिरौन
खफरे खफरे नाम था जिसका ये चेहरा मुमकिन तौर पे हो सकता है क्योंकि खफरे का ही पीछे पैरामिड भी है और हो सकता है कि उसी ने अपने लिए ये मुजस्मा स्फिंक्स अबुल होल ये शाहकार बनवाया हो। From closer, me closer, like this one. और ये आपका दोस्त स्टाइल मार मार के तस्वीरें बनवा रहा है। चलें जी जरा नजदीक चलते हैं और नजदीक चल के स्फिंक्स के मुजस्मे को देखते हैं। दोस्तों अगर आप मिस्र जाएं तो अहराम मिस्र को आप ख़ुद भी विज़िट कर सकते हैं। मैंने तो ये टूर लिया था और ये टूर मुझे काफ़ी महंगा पड़ा था। ये मुझे $140 का टूर पड़ा था जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी महंगा है। इसको मैक्सिमम $70 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए था। ठीक है गाइड अच्छा था नॉलेजेबल था लेकिन गाइड के बगैर भी आपका गुजारा हो सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप कायरा शहर में हैं वहाँ से किसी टैक्सी वाले के साथ अपना डे टूर मुका लें कि जी मुझे तुमने लेके फिरना है। टिकट्स अपनी ख़रीद लें यहाँ पे अहराम मिस्र में आके। और ये जो सारा टूर है ये बग़ैर किसी गाइड के आप खुद भी कर सकते हैं। इस टूर के एंड पे गाइड ने मुझे कहा कि टिप, तो मैं कहा कि भाई पहले ये टूर बड़ा महंगा है तो मैं मतलब मज़ीद नहीं इसमें दे सकता। $140 मैंने पहले दे दिए हैं तो आई थिंक दैट वॉज़ मोर देन इनफ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप काहिरा जाएं तो आप अपने तौर पे अहराम मिस्र को विज़िट कर सकते हैं। वापस स्फिंक्स पे आ जाएं तो ये आप देख सकते हैं कि ये अबुल होल का चेहरा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। ये मुमकिन तौर पे असल शक्ल हो सकती है लेकिन ये यकीन से नहीं कहा जा सकता। ये एक ख्याली तस्वीर है कि माजी में स्फिंक्स ऐसा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि स्फिंक्स असल में किसी स्याफाम अफ्रीकी की शक्ल पे बना हुआ मुजस्मा है और उसके लिए वो अपनी मंतक भी देते हैं कि जी इस चेहरे की शेप किसी और एथनिक ग्रुप से नहीं मिलती। लेकिन लोग उसका काउंटर आर्गुमेंट देते हैं कि इस मुजस्मे की नाक और आंखों का हिस्सा ज़ाया हो चुका है जिसकी वजह से ये लगता है कि इसकी चेहरे की शेप स्याफाम अफ्रीकियों जैसी है लेकिन असल में ये नहीं है। गालिब इम्कान ये है कि ये मुजस्मा उस ज़माने के किंग फिरौन खफरे का होगा। और ये तस्वीरें देखें, ये तस्वीरें देख के आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई ऐसा ही हुआ होगा मुमकिन तौर पे। दोस्तों आज के दिन हमारा सफ़र जारी है लेकिन इस वीडियो को मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ और इसका दूसरा हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।